देखिए, हमने ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 6 आलू लिए हैं और आलू को मैंने छील लिया है और ये कच्चे आलू हैं। तो चलिए पहले हमने आलू को घियाकस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये घियाकस लिया है और ये मोटा साइड है, ये बारीक होता है तो ये मोटा साइड है। हमने मोटे साइड की तरफ से हमने इसको घियाकस करना है। तो चलिए इसको हम पहले घियाकस कर लेते हैं। देखिए, हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ये बिल्कुल लच्छा बन गया है हमारे आलू का। तो चलिए इसको हमने पानी डालते हैं, इसको हमने अच्छे से धोना है क्योंकि ये थोड़ा स्टार जो निकल आता है वो है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से इसको वॉश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये छन्नी लेती हूँ और इसके अंदर हमने ये छानना है, अच्छे से छानना है। ये जो हमारा पानी है आलू का स्टार है वो सारा निकाल देना है इससे। और एक बार मैं इसमें पानी और डालूँगी जिससे कि हमारे जो आलू का लच्छा है बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। इसको हमने 2 बार वॉश करेंगे। देखिए, हमने अच्छे से इसको वॉश कर लिया है और इस पानी को हमने साइड कर देते हैं और इसको अच्छे से थोड़ा सा निचोड़ने देते हैं। हल्के हाथ से हमने इसको निचोड़ लेना है, जो भी हमारे एक्स्ट्रा पानी है आलू में वो सारा निकल जाएगा। ये देख सकते हैं हल्का हल्का सा पानी निकल रहा है। तो इसको हमने 5 मिनट के लिए रख देते हैं इसमें छन्नी में, जिससे कि जो पानी है वो निकल जाएगा अच्छे से। देखिए, पानी हमारा अच्छे से निकल गया है आलू का। तो इसको हमने साइड करना है और ये बाउल लेते हैं और इसमें हमने अपने आलू का जो लच्छा बनाया है, यह कस किया है, वो हम इसके अंदर में डाल देंगे सारा। देखिए, बहुत अच्छे से आ गया है। और इसके अंदर हमने डालने हैं अंडे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये 4 अंडे, 4 अंडे डालूंगी मैं इसमें। देखिए, अंडे हमने डाल दिए हैं और इसके अंदर में हमने डालना है नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और डालना है इसमें ये काली मिर्च पाउडर। और इसके अंदर मैंने लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है। तो इसका ये बहुत खास ध्यान रखना है कि हमने लाल मिर्च नहीं डालनी है इसके अंदर में, और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और चलते हैं अपने पैन की तरफ। तो ये यहाँ पर ये बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए, गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और इसके अंदर हमने डालना है ये ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी, बटर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसको अच्छे से हमने इसमें फैला देना है। और साथ ही हमने ये जो बनाया है आलू का अंडे का जो बैटर, वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर हमने डालना है ये बैटर। बैटर को बहुत अच्छे से डालना है, फैला के डालना है। अच्छे गैस के फ्लेम को मैंने लो रखा है क्योंकि हमने इसको फुल फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। तो इसको हमें अच्छे से फैलाना है। और ये सारा मैं बैटर नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालेंगे, बाकी का मैं अभी दिखाऊंगी कि हमें कैसे डालना है। तो इसको हमें इस तरह से फैला देना है। ये देखिए, गैस के फ्लेम को लो रखा है। ये देखिए, हमने अच्छे से इस पर डाल दिया है बैटर। और इसके अंदर हमने डालना है ये चीज़। मैंने चीज़ को ग्रेट करके रखा हुआ है। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये ऑमलेट बनेगा, आलू ऑमलेट। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से चीज़ को फैला दिया है। साथ ही हमने इसमें लगाना है ये लाल मिर्च। और ये मैंने स्पाइसी वाली नहीं ली है, जो अचार की मिर्च होती है वो है ये रेड वाली। तो ये हमने इसके ऊपर लगा देना है। हमने मिर्च लगा दी है और इसके ऊपर हमने डालना है ये जो बैटर, तो बाकी का बचा है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। इसको हमने इसके ऊपर डालना है, अच्छे से फैला देना है इस पर। जबरदस्त हमारा ऑमलेट बनेगा। देखिए, हमने सारा बटर डाल दिया है इसके ऊपर में और इसको अच्छे से हमने फैला देना है। और ये अभी साइड से थोड़ा सा वैसा हो रहा है तो अभी नहीं है, इसको छेड़ेंगे। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं ढक्कन। तो ये देखिए, हमने अपने पैन पर ढक्कन लगा दिया है, गैस के फ्लेम को लो रखा है और इसको 5 मिनट के बाद हमने इसको देखेंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और इसको हमने, देखिए साइड पे जो अंडा है वो आ गया है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको साइड पे इसी तरह से लगाना है इसको ऊपर पे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पलटना नहीं है अभी। ये देखिए, हमने अच्छे से इसको इस तरह से करना है। जो भी एक्स्ट्रा निकला है इसके ऊपर ही हमने कर देते हैं ऐसे करके। देखिए, अच्छे से हमने करते हैं और इसको ढक्कन लगा देते हैं। देखिए, हमने अपने ऑमलेट को इसको पलटना है, ये नीचे से अच्छे से सिक चुका है। तो इसको कैसे पलटना है ये मैं आपको बता देती हूँ।
आप चाहें तो इसके ऊपर प्लेट भी रख के पलट सकते हैं, लेकिन मैं इसका ही तवा जो नॉनस्टिक तवा है वो मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसके ऊपर हमने इस तरह से पलट दिया है। ये देखिए कितने जबरदस्त हमारा ऑमलेट बना है। और वापस मैं इसी में इसको पलट करा हूँ। देखिए कितनी आसानी से हमारा जो ऑमलेट है वो पलट गया है। और इसको भी हमने लो फ्लेम पे ही पकाना है, तो क्योंकि ये जो आलू है वो कच्चे हैं तो इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पे ही रखना है। तो चलिए इसको ढक्कन लगा दिया है। देखिए हमारा ऑमलेट अच्छे से बन गया है और ये गैस को मैं बंद कर रही हूँ। तो देखिए हमने अपने गैस को बंद कर दिया है और इसको हमने निकाला है प्लेट में। देखिए हमने अपने ऑमलेट को इस प्लेट में निकाल रहे हैं और देखिए कितनी आसानी है हमारे ऑमलेट निकालना। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट बना है और मैं ये आपको दिखाऊंगी पीस काट के कि हमारा जो ऑमलेट है वो अंदर से कैसा लग रहा है। तो ये मैंने नाइफ ले लिया है, तो ये देखिए हमने अपने नाइफ से अच्छे से काटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट बना है। वाओ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ऑमलेट बना है। वाओ, थोड़ा गर्म है, हाथ जल रहा है मेरा। देखिए हमारा आलू का ऑमलेट बनकर तैयार है और ये थोड़ा गर्म है तो मैं ये पैसरोला से निकाल रही हूँ। देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा आलू का ऑमलेट बना है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि इसमें के अंदर में चीज़ भी है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और इसके साथ में हमने लगाना है ये टमाटर केचप। आप चाहें तो इसके साथ में चटनी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा आलू का ऑमलेट बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरे आलू की ऑमलेट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलूंगी ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।